नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, ऐसे में विपक्ष की तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही है। और बता दें आपको कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 15 जुलाई को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें महागठबंधन के सभी विधायकों को शामिल होना है। बात करें तो इस बार द्रौपदी मुर्मू और साथ ही यशवंत सिन्हा का नाम सामने है। इन दोनों में से कोई एक राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन बात करें तो विपक्ष चाहता है कि यशवंत सिन्हा ही राष्ट्रपति बने, जिसको लेकर 15 जुलाई को बड़ी बैठक तेजस्वी यादव की तरफ से बुलाई गई है। इसी कड़ी में बात करें तो महागठबंधन के सभी दल 15 जुलाई को पटना के एक बड़े होटल में राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ बैठक करेंगे और उन्हें जीत दिलाने की रणनीति बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में राजद प्रदेश कार्यालय में सोमवार को महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई है। तेजस्वी ने कहा है कि यदि विपक्ष अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले कर देता तो अभी माहौल कुछ अलग होता। वैसे 15 जुलाई को महागठबंधन के सभी विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 7 अगस्त को बिहार में महागठबंधन के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन भी करेंगे। बैठक में कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान, माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा और केडी यादव, साथ ही सीपीआई राज्य सचिव राम नरेश पांडे, सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी और राजद सांसद मनोज झा, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, प्रदेश प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता शामिल हुए। ऐसे में तेजस्वी यादव का साफ तौर से कहना है कि अगर विपक्ष पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देता तो इस वक्त माहौल कुछ अलग होता। जो माहौल है वो यशवंत सिन्हा के फेवर में होता, उनके पक्ष में होता, लेकिन चूंकि नाम के ऐलान करने में थोड़ी देरी हुई है और यही वजह है कि 15 जुलाई को बड़ी बैठक तेजस्वी यादव की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वो शामिल होंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को लेकर एनडीए ये तय मान रहा है कि अगले राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू ही बनेंगी, लेकिन विपक्ष इस रणनीति को चूर करने में लगा हुआ है और यही वजह है कि कल शाम हुई बैठक में ये सब कुछ तय किया गया है, आगे किस तरह से कदम बढ़ाने हैं और राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का सपोर्ट किस तरह से करना है, उन्हें किस तरह से जिताना है। इन तमाम चीजों पर जो चर्चा है वो 15 जुलाई को पटना के एक बड़े होटल में की जाएगी, जिसको लेकर सभी विधायकों को यह कहा गया है कि 15 जुलाई को हर कोई पटना में ही रहे और इस बड़ी बैठक में क्या कुछ तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जाता है, किस तरह से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में जिताने की रणनीति सेट की जाती है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।